सुग्रीव का भाई अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ ऋग का पुत्र बाली बहुत ही शक्तिशाली था। देवराज इंद्र का धर्म पुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना ही शक्तिशाली हो उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्म पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। उसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजय था। उसने कई युद्ध लड़े और सभी युद्ध में वह जीता। इसी स्वर्ण हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके ये वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आदि शक्ति क्षीण हो जाएगी और यह आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। यही बाली की शक्ति का राज था। बाली ने कई योद्धाओं को हराया था। बाली ने अपने अद्भुत शक्ति के बल पर हजार हाथियों का बल रखने वाले दुदुम्बी नामक असुर का वध कर दिया था। दुदुम्बी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का एक गुफा में वध कर दिया था। रावण ने बाली की शक्ति के चर्चे सुनकर उसे युद्ध करने की ठानी, लेकिन बाली ने रावण को अपने कांख में 6 माह तक दबाए रखा। अंत में रावण ने उससे हार मानकर उसे अपना मित्र बना लिया। आइए जानते हैं कि राम भी बाली के सामने नहीं आए थे। एक भ्रम के कारण बाली के मन में सुग्रीव के प्रति नफरत हो गई थी। इसी के चलते बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हड़प कर उसको बलपूर्वक राज्य से बाहर कर दिया था। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु राम जी से मिलाया। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा बताई और ये भी बताया कि बाली किस तरह दूसरों की शक्ति को अपने भीतर खींच लेता है। फिर प्रभु श्री राम जी ने बाली को छुपकर तब तीर से वार कर दिया था, जबकि बाली और सुग्रीव में मल्ल युद्ध चल रहा था। क्योंकि प्रभु श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी बाली के मन में ये दर्द था कि उन्होंने मुझे छुपकर मारा। तब प्रभु श्री राम ने उसे वचन दिया कि तुम्हारी ये पीड़ा दूर की जाएगी। जब प्रभु श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया तब इसी बालक ने जरा नामक बहेलिया के रूप में नया जन्म लेकर प्रभाव क्षेत्र में विष युक्त तीर से श्री कृष्ण को हिरण समझकर तब मारा जब वे एक पेड़ के नीचे योग निंद्रा में विश्राम कर रहे थे। इस तरह बाली का दंश या बदला पूरा हुआ। बाली का हनुमान जी से जब हुआ था सामना, हनुमान और महाबली बाली के बारे में हमें एक कथा मिलती है। बाली को इस बात का घमंड था कि उसे विश्व में कोई नहीं हरा सकता था या कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपने ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है, किसी ने माँ का दूध पिया हो तो मुझसे मुकाबला करे। हनुमान जी उसी वन में राम नाम जप से तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, वनराज आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? ये सुनकर बाली भड़क गया और उसने हनुमान जी को चुनौती दे दी और यहाँ तक कि कह दिया कि तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। राम का मजाक उड़ता देख हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया। तय ये हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती को स्वीकार ना करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम जी को चुनौती दी है, ऐसे में अब यदि मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उसे तो सबक सिखाना ही होगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ, शेष आराध के चरण में समर्पित कर दो, दंगल से लौटकर ये शक्ति फिर हासिल कर लेना। ये सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से दंगल के लिए चल पड़े। दंगल के मैदान में हनुमान जी जैसे ही बाली के सामने अपना पहला कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा कि जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोरे ले रहा हो। चंद पलों के बाद बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली और रक्त बाहर निकलने ही वाला है। तभी अचानक ही वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है।
और वहां से तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाने के बाद उसे राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके समक्ष खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खुद को दुनिया में शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि हनुमान अपनी शक्ति का 10वां भाग लेकर ही तुमसे लड़ने आए थे। सोचो यदि संपूर्ण भाग लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली ये सुनकर समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल की। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया। अथय बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं। और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और इनको ललकार रहा था, मुझे क्षमा कर दे हनुमान। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।